ब स्पीशीज वर्सिस सिबलिंग इस मॉड्यूल के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज के दरम्यान में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दो डिफरेंट स्पीशीज सब स्पीशीज और सिबलिंग स्पीशीज इनके अंदर अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरम्यान में कन्फ्यूजन मौजूद होती है कि हम सिबलिंग स्पीशीज किन को कहते हैं और सब स्पीशीज किन को कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सब स्पीशीज तो नाइनटीन सेंचुरी के अंदर जो टर्म सब स्पीशीज थी इसको रिप्लेस किया गया इसने रिप्लेस किया वैरायटी को और उसके साथ साथ जो रेसिस के लिए हम टर्म यूज करते थे रेस की टर्म यूज करते थे उसको सब स्पीशीज ने रिप्लेस किया अगर सब स्पीशीज को हम डिफाइन करें सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम कहें तो अगर किसी एक जगह पे एक पॉपुलेशन मौजूद है एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं लेकिन ड्यू टू सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन उसमें कुछ सब पॉपुलेशन बन गई हैं और ये जो सब पॉपुलेशन हैं, इनके दरमियान में आपस में डिफरेंसेस हैं तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको हम सब स्पीशीज कहते हैं लेकिन जो सब स्पीशीज हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होती आल इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद होते हैं लेकिन इसके बावजूद ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं अब अगर हम सब स्पीशीज को डिफाइन करें तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है एन एग्रीगेट ऑफ फिनोटिपिकली सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज यानी ये एग्रीगेट है इंडिविजुअल्स का जो कि फिनोटिपिकली देखने में एक जैसे हों इनहिबिटिंग ए जियोग्राफिकल सब डिविजन ऑफ द रेंज ऑफ दैट स्पीशीज एंड डिफरिंग एक्सोनमिकली फ्रॉम अदर पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज यानी ये जो सब पॉपुलेशन है ये उसी स्पीशीज की जो रेंज है यानी जहां तक वो जा सकती है जहां तक उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो सर्वाइव कर सकती है उसी रेंज के अंदर अगर उस स्पीशीज की कुछ सब पॉपुलेशन बन गई हैं जो कि मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से सेपरेट नहीं है लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली किसी दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट हो तो ऐसे जो सबसेट्स हैं ऐसी जो सब पॉपुलेशन हैं इनको हम सब स्पीशीज का नाम देते हैं अब इस डेफिनेशन के अंदर जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है उसकी क्या रीजन है सबसे पहली बात ए सिंगल सब स्पीशीज मे कंजिस्ट ऑफ मैनी लोकल पॉपुलेशन ऑल ऑफ विच दो वेरी सिमिलर आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली यानी सबसे पहली बात ये कि एक जो स्पीशीज है वो जिस जगह पे मौजूद है उसकी जो रेंज है उसके अंदर एक से ज्यादा सब पॉपुलेशन मौजूद हो सकती हैं ये जो सब पॉपुलेशन हैं ये हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन जिनेटिकली ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती और एक दूसरे से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होती ये ब्रीड कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर सकते हैं दूसरी बात

उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं लेकिन ये डिफरेंसेस हम सेंसिटिव मेजरमेंट्स के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं हम खास किस्म के जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं उसके जरिए इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम मोलेकुलर टेक्निक के जरिए इन डिफरेंसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं मसलन अगर हम डिफरेंट सब स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसका डीएनए लें और उसको कंपेयर करें तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें मिलेंगे लेकिन ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे कि इनको हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रखें क्योंकि जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं उसके बाद अगर हम सिबलिंग स्पीशीज की बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो के देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मौजूद है जो थी में हमने देखा कि ये मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है जबकि जो सिबलिंग स्पीशीज होती हैं ये देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मौजूद होती है इनकी इकोलॉजी डिफरेंट होती है इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एनोफिलिस मैक्यूलिपेनिस कॉम्प्लेक्स है यह ख्याल किया जाता है कि एनोफिलिस मैक्यूलिपेनिस इसके अंदर सिक्स एनोफिलिस की स्पीशीज हैं ये डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन मार्फोलॉजिकली इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मौजूद नहीं है इस वजह से इनको एज ए सिंगल स्पीशीज ट्रीट किया जाता रहा अब इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो मलेरिया फैलाने का सब बनती हैं लेकिन सारी मलेरिया नहीं फैलाती लेकिन जब डिटेल स्टडीज की गई तो ये पता चला कि इनमें से बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट है वो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर रहती हैं और वो मलेरिया फैलाने का सबब भी नहीं है तो बाद में यह पता चला कि बेसिकली ये एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली तो डिफरेंट नहीं है लेकिन इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है और इनकी जो इकोलॉजी है वो डिफरेंट है और ये एक स्पीशीज के मेंबर नहीं है बल्कि ये तो सिक्स डिफरेंट स्पीशीज हैं इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला की दो स्पीशीज हैं ड्रोसोफिला सुडो ऑब्स्कर्वा और इसी तरीके से ड्रोसोफिला परसिमेलिस ये जो दोनों स्पीशीज हैं ये मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल लगती हैं देखने में एक जैसी हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं अगर इन दोनों स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको हम इकट्ठा रख दें और इनको अलाउ करें कि ये एक दूसरे के साथ ब्रीड करें तो ये नहीं करती जो इस चीज का सबूत है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आयुसोलेशन है इसके बावजूद को इनको इकट्ठा रखा गया लेकिन ये एक दूसरे से ब्रीड नहीं करते क्योंकि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनके अंदर जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है जो फेराम की प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है तो हमने ये देखा कि जो सब स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते जबकि जो सिबलिंग स्पीशीज के मेंबर हैं ये देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं